मैं बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए सॉन्ग और क्या बोलूँ, मतलब फर्स्ट टाइम मैंने कैलाश प्रोडक्शन के साथ काम किया है, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा और आई होप कि आगे भी ऐसे करते रहें कुछ ना कुछ अच्छा। क्या गाने की क्या खासियत है, क्या यूएसपी बताओगे आप? खासियत गाने की क्या एक्सप्लेन करूँ मैं, लाइक रोमांटिक सॉन्ग है, अच्छा है, अभी बाकी देखते हैं सबसे बड़ी खासियत अभी ये है उसके अंदर, तो और खास हो जाता उसके है। लिए रोमांस ज़्यादा है थोड़ा सा सॉन्ग में। फरहान के बारे में कैसे, को एक्टर हैं? अच्छे हैं, फरहान के साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा, इससे पहले काफ़ी अच्छे मेरे दोस्त हैं, पहले तो काम तो हमने बाद में किया साथ में, बाकी रील्स वील्स भी हम साथ में करते रहते हैं, अच्छा लगा। अनमोल के साथ भी? हाँ अनमोल मेरा भाई है और अनमोल ने ही मुझे ये मौका दिया करने के लिए, थैंक यू सो मच अनमोल जी, स्पेशली आपको थैंक्स अ लॉट। प्रिंस जी जो है, हाँ रोहित प्रेम साहब जो जी, भी थे, सुमित आपने जी, सोमा दीदी, इन सबका सपोर्ट बहुत अच्छा रहा मेरे साथ। क्या कहोगे, आपके साथ बैठी हैं एक्ट्रेस आपकी? हमारे साथ बैठी है हमारे सॉन्ग की एक्ट्रेस, और ये बहुत अच्छी इंसान है, और हम लोग बहुत बोलिए बोलो, कंटिन्यू कंटिन्यू। हम लोग एक दूसरे को पहले से जानते हैं, हम लोग काफ़ी अच्छे फ्रेंड हैं, तो काफ़ी अच्छा लगा सॉन्ग को साथ में जब शूट किया, तो काफ़ी अच्छी हम लोगों की केमिस्ट्री रही, और वो आपको सॉन्ग में भी नज़र आएगी। और बहुत हार्ड वर्किंग है और बहुत डेडिकेशन के साथ काम करती हैं, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और देखते हैं आगे भी साथ में काम करने का। बिल्कुल मैं भी फॉर श्योर करेंगे। या फरहान, आपके लिए और कुछ प्रोजेक्ट भी आ रहे हैं नेक्स्ट टाइम? अभी मेरे दो म्यूज़िक वीडियो और लाइनअप हैं, जो अभी मे बी अक्टूबर एंड तक रिलीज़ होने वाले हैं। एक जो म्यूज़िक वीडियो है वो रशियन, उसके जो सिंगर हैं वो रशियन हैं, मेल और फीमेल दोनों रशियन सिंगर हैं वो लोग, और वो उन्होंने हिंदी में गाया है, तो वो काफ़ी अलग तरीके का एक्सपीरियंस रहा मेरा। उसको मुंबई में शूट किया गया है, और जो उसके सिंगर हैं एक टर्की में है और एक रशिया में, तो उन्होंने अपने अपना पार्ट वहाँ पर शूट किया है, तो वो मंथ एंड में शायद से वो गाना भी रिलीज़ होगा, तो वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। और एक गाना मैंने शूट किया है अभी रिसेंटली, जो शायद से नवंबर फर्स्ट वीक में रिलीज़ होने वाला है, वो आपका जो है अल्तमश फरीदी जो है उनका सॉन्ग है वो, तो वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जल्दी आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। सेम सिचुएशन थी हमारी लास्ट सॉन्ग जैसी, स्पेशली मेरे साथ बहुत मुश्किल आई बारिश भी थी, वो सब देख के हम लोग ने, और लोकेशंस काफी खूबसूरत थे, तो अच्छा सपोर्ट किया मेरी टीम, कैलाश प्रोडक्शन, अनमोल भाई, सुमित भाई, प्रिंस भाई। मुझे डांस सिखाने में क्या प्रॉब्लम आई आपको बताइए। हम लोग ने पहले दोनों आर्टिस्ट को देखा और उस हिसाब से हम लोग ने इजी कोरियोग्राफी कर लिया, क्योंकि टाइम भी नहीं था हमारे पास, हम लोग ने स्पॉट पे हम लोग ने मिले थे। प्लस जो है निशु जो है बहुत अच्छी डांसर है, लेकिन मैंने कभी डांस किया नहीं है, तो मुझे काफी दिक्कत आ रही थी, तो उन्होंने काफी लाइट, जितनी लाइट हो सकती थी उतनी लाइट स्टेप रखी, कोइंसिडेंटली मुझसे वो लाइट स्टेप छू हुई, तो बस अच्छा रहा, जैसा भी एक्सपीरियंस था बहुत अच्छे से उन्होंने अपने आप में लिया। एंड विकी एडिट करने में कितना सहयोग किया अनमोल ने? सबसे अच्छा सहयोग किया उसने, हर फिल्म में आ रहा हूँ बस उसके साथ एडिट करने में, पीछे तो वाला इंजीनियर रहता है बताओ ना, बेचारा आके बैठेगा आजा बोलेगा चलो एडिट करो, बस जो शॉट उसको अच्छे लगेंगे वो लोग हाँ ये शॉट, बाकी आप अपने हिसाब से डालो, ऐसा रहता है उसके का कोई टेंशन नहीं रहता एडिट करने में, बस बिंदास। और अच्छे से एडिट हुआ सॉन्ग भी एकदम माशाल्लाह बहुत अच्छा है और सबसे अच्छा बना है, आप तो देख लो। आप क्या कहोगे? मैं तो बोलूंगा सब टीम को बहुत थैंक बोलूंगा, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया, क्योंकि मेरे को मेरा ऐसा वीडियो हो गया, मेरे को मतलब पहली बार इतना सब कुछ कर लिया मैंने अपने लाइफ में, बहुत मजा आया। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।